प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डू प्रेस द बेल आइकन। तो दोस्तों स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल में, डी व्लॉगर में, और आई होप सो आप स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, एकदम फाड़ रहे हो सब कुछ। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि मेरा एक व्लॉगिंग चैनल है, तो आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लाया हूँ आप सब लोगों के लिए, जो कि बहुत सस्ते और टिकाऊ सबसे बेस्ट चीज़ है स्टार्टिंग में। जैसे कि हम व्लॉगिंग करते हैं तो अभी स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, पर अगर आप जब थोड़ा आपका चैनल बढ़ रहा है आगे, आपको थोड़ा चैनल ग्रो करना है, तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, वो थोड़ा एक स्टेबल मटेरियल है जो आप जिससे आप अपना व्लॉगिंग कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने भी कुछ ऐसी चीज़ मंगाई है यार, जो कि इसमें आपका व्लॉगिंग का वो है स्टैंड, जिस जो कि एक ट्राइपॉड जैसा है, जो कि अगर आप पकड़ोगे तो 13.5 इंचेस है लंबा, और अगर उसको एक्सटेंड करोगे तो वो 35 इंच तक लंबा हो जाएगा। तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। इसकी जो कॉस्ट है वो है 399, जो कि 400 है अप्रॉक्स, और मुझे 80 रुपीज़ डिलीवरी चार्ज पड़ा है इस पर, तो अप्रॉक्स ही पड़ गया है मुझे 478 या 470 एन करीब। तो इसके करते हैं अनबॉक्सिंग, तो देखते हैं। कुछ बाहर से इसका इंटरफेस देख सकते हैं, यहाँ पे ट्राइपॉड है, ये है। इसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है अगर आपको अपने चैनल ग्रो करना है, अगर आपको कंसिस्टेंसी लानी है अपने चैनल में, तो आपको इसकी सख्त और सख्त जरूरत है। तो ये है आपका एक बहुत जरूरी, ये देखिए फोन होल्डर है, इस पर आप फोन अपना करेंगे, अटकाएंगे, मतलब इसके इसमें देख सकते हैं आप, छोटा सा फोकस, तो ये आ गया। तो इसको हम लगा सकते हैं, काफ़ी टाइट है तो आपको फ़ोन करने का चांस बिल्कुल भी नहीं बनता है, बिल्कुल भी नहीं। तो देख सकते हैं टाइट। अब नेक्स्ट ये जो है इसमें, ये वाह यार पैकेट में आया, काफ़ी सॉलिड अच्छा लग रहा है, मतलब जो है इसका बैग टाइप का काफ़ी अच्छा काम भी आ सकता है, आप कहीं कैरी कर रहे हो तो उसमें रख सकते हो आप इस बैग में। यहाँ मुझे थोड़ा सा धोखा मिला है भाई, मैं तो सिल्वर मंगाया था पर ब्लैक आ गया। नहीं कोई नहीं, ये भी थोड़ा लग रहा है, ऐसी बात नहीं है। आप देख सकते हैं इसके, आप ऐसे पकड़ सकते हैं, 13.5 इंच लंबा है, जैसे ब्लॉगिंग कर रहे हो ऐसे, ठीक है। और इसको आप ऐसे कर सकते हो, इसमें आप अपना फ़ोन लगा सकते हो, ये ऊपर आपका फ़ोन है, ये देख सकते हो आप, ये आपका एक फ़ोन का होल्डर है, इसमें मैंने यहाँ स्टैंड रख दिया है, और आपका यहाँ पे फ़ोन रख सकते हो, आपने फ़ोन को टेढ़ा करना है टेढ़ा भी कर सकते हो, आपको मैं दिखाता हूँ। सो या गाइस, दिस इज द ट्राइपॉड दैट वी गोना डिस्कस इन अ वेरी ब्रीफ मैनर, एंड वी गोना डेफिनेटली शो यू ऑल गाइस दैट हाउ टू यूज दिस सिंपल टूल इन अ थ्री वेज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि आपने देखा इन वहाँ जो मैंने बताया आपको कि कैसा इसका मैंने अनबॉक्सिंग करी, तो अब जानते हैं इसकी थोड़ी डिटेलिंग के बारे में। डिटेलिंग क्या है इसकी वो जानते हैं अभी। जैसे कि ये आपका जो ट्राइपॉड है, ये 3-in-1 काम करेगा, और 3-in-1 काम कैसे करेगा वो दिखाते हैं आपको ऐसे। पहला चीज़, इसका जो डिज़ाइन है काफ़ी अच्छा लगा, इट गिव्स अ वेरी वेरी प्रोफेशनल लुक यू कैन सी। एंड बाय द वे इसको यूज़ कैसे करें, इसके आप देख सकते हैं तीन, एक यहाँ नॉब बना है, एक यहाँ नॉब बना है, और एक यहाँ नॉब बना है, जिसमें से ये नॉब जो फ्रंट में है इसके, ये नॉब जो फ्रंट में है इसके, किसी भी काम का नहीं है। अगर आपने अपना थोड़ा दिमाग लगाया और इसको यूज़ करने की कोशिश करी, तो आपके साथ कुछ हादसा ऐसा होगा कि इसको जैसा खोलोगे तो ये जो सॉकेट है, मतलब जो शाफ्ट है पूरा, ये आप देख सकते हैं आप, तो ये पूरा शाफ्ट निकल जाएगा बाहर, और निकल तो जाएगा साथ साथ में इसके यहाँ पे अंदर एक स्क्रू लगा है, वो बहुत डेलिकेट स्क्रू है, वो भी निकल जाएगा बाहर। मैंने कुछ ऐसे ही अपना दिमाग लगाया और वैसा कुछ हो गया, तो मुझे पूरे 10 मिनट लगे उसको अंदर डालने में। तो किसी काम का है नहीं, ये निकाल रहे हो क्यों फालतू में आप, पहली बात तो इसका कोई यूज़ नहीं है। दूसरा यूज़ इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है, बिकॉज इट इन्हेंस द हाइट ऑफ योर ट्राइपॉड एज
1 to 1.5 feet, क्योंकि इसको जैसे आप खोलोगे, इसको मैं खोल रहा हूँ, तो इसको मैं खोल देता हूँ, या इसको मैंने खोल दिया, इसको खोलता हूँ, तो इट एनहेंसेज द हाइट, तो आपकी कम से कम आपकी ट्राइपॉड की जो हाइट है वो 1.5 feet बढ़ चुकी है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इसको हम अभी नीचे गिर जाएगा क्योंकि इसको हमने टाइट करा नहीं है, जब इसको हम टाइट कर देंगे तो ये एकदम फिक्स हो जाएगा। किस पोजिशन दिखाते हैं आपको कैसे, जैसे कि आप देख रहे हैं इसको मैंने टाइट कर दिया है और ये अब अपनी पोजिशन में एकदम फिक्स हो गया है। तो अब इसके ऊपर हम जितने प्रेशर डाले ये बिल्कुल नीचे नहीं जाएगा, वो मैंने अच्छे से टाइट करा नहीं, थोड़ा बहुत नीचे चले गया, लेकिन एकदम फिक्स एंड एकदम स्टेबल है। तो ये पहला यूज़ इसका, कि मतलब पहला यूज़ मतलब पहला इसका यूज़ जो ये रहा नॉब है ना, तो इसका यूज़ हो गया। इसका यूज़ कुछ भी नहीं है जो मैंने बताया आपको, और इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ दिखाता हूँ क्या है। इसका यूज़ ये है कि जब तो हाँ इसका यूज़ ये है, जब आप इसको ऐसा यहाँ पे ऐसा करोगे तो आपका ये अभी स्टेबल था जैसे करा तो ये ऐसा हो गया, तो ये आपका सेल्फी स्टिक का भी काम ऐसा कर सकता है। क्योंकि अभी बता दूँ कैसे सेल्फी स्टिक का काम करेगा, आपने इसको ऐसे कर लिया, ठीक है, आपने ये चौड़ा है इसको ऐसे पतला कर लिया, पतला कैसे करोगे, इसको ऐसे ऊपर को पुश करोगे हल्का सा पुश करोगे तो ये पतला हो गया, और ये ऊपर से इसको हमने ऐसा कर दिया है। साथ में माउंट है इसको, आप हम यहाँ पे एक होल दिया है, इसको उसके ऊपर माउंट करेंगे, तो दिखाते हैं कैसे होगा। तो ये की लगी हुई है इसमें, इस पर हम इसको माउंट करेंगे, सिंपल सा है। अब ये माउंट हो गया, इसको और हम टाइट कर देंगे ताकि ये टाइट हो जाए, तो आप देख सकते हैं सेट हो चुका है। सेल्फी मैंने ले लिया। तो देखा आपने कि कैसे उसने सेल्फी ले लिया, एंजल पूजा का कितना प्यारा गाना गाया। तो अब इसको हम थोड़ा दिखाएंगे इसका और यूज, ठीक है। इसको अब मैंने टाइट कर दिया है और अब इट इज लुकिंग लाइक अ ट्राइपॉड, ठीक है, अब ट्राइपॉड लग रहा है। अब इसकी हाइट तो छोटी है यार, क्या करे यार, मैं जादू कर रहा हूँ, ठीक है। ओम हीम क्लेम चामुंडा विच जादू कैसे किया तो देखते हैं। तो दोस्तों सवाल होगा कि कैसे किया, तो वो मैंने ऐसा किया कि यहाँ देखो इसके पैर में कुछ ऐसे और ऐसे नॉब्स बने हैं, तो इस नॉब्स को खोलना है बस। इस नॉब्स को खोला और खोला। अब हमने सारे के सारे नॉब्स खोल दिए, देख सकते हैं आप अच्छे से खोल दिए। अब कुछ नहीं करना है, इसको हमको बस ऐसे करना है और ऐसे अपने आप ही खुल जाएंगे। देखिए जैसे कि देख सकते हैं अब ये इसको हम ऐसे अपना खुल गए, तो अभी ये सिर्फ और सिर्फ इधर रख दिया, पर ये तो अंदर कुछ जा रहे हैं, तो क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे इसको हम, फिर जैसे निकल गए तो जो हमने नॉब्स खोले है ना, जो हमने नॉब्स खोले हैं, इन नॉब्स को हम अब अंदर बात देंगे, जैसे हमने पहले खोले थे ना वैसे ऐसे ये बच जाएंगे। तो दिखा दो कैसे बचेंगे, तो बस ये लास्ट है, तो उसको हम इसे कर देंगे। तो अब देखोगे आप ये कितना सॉलिड लग रहा है यार, मजा आ गया। हाइट देखो 35 से करीब करीब 36 फीट तक की हाइट है मेरे, ऑलमोस्ट मतलब पेट तक आ रहा है, तो काफ़ी अच्छी हाइट है, इसको हम बोलेंगे। और आप इसे खुद देखो यार कितना अच्छा लग रहा है, एकदम प्रोफेशनल लग रहा है, वेरी गुड।
एट लास्ट दोस्तों वीडियो खत्म होती है. अगर आपको अनबॉक्सिंग अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. एंड डी व्लॉगर रुकने वाला नहीं है, अब ये बढ़ते रहेगा और आपके लिए अच्छे से सॉलिड और तगड़े तगड़े व्लॉग लाएगा और साथ में अच्छी अच्छी चीज़ों की रिलेटेड टू व्लॉगिंग अनबॉक्सिंग भी करेगा. सो एट लास्ट गुड बाय, गुड लक, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड डू एज व्हाट एंड लिव योर लाइफ एज मच एज यू कैन. सो बाय बाय बाय. और ट्राइपॉड का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाओ और वहाँ से खरीदो अभी के अभी. तो बाय.